हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज बता दूं दोस्तों, सुबह में गया था, काम ख़त्म करके आया, खाना वाना खा करके आया। आज खाना भी बनाया था, कल भी दिया था और आज भी दिया था। मैंगो मांगा बोलते हैं, जो मीठा बनाते हैं ना मैंगो का, थोड़ा उसमें चीनी वगैरह डाल करके और थोड़ा मिर्ची वगैरह डाल करके तीखा और मीठा बनाते हैं, तो वैसा ही बनाया था। तो आज 2 दिन से वही खा के आ रहा हूँ, कल भी खाया रात को और आज भी खाया। और गर्मी तो है ही ऐसे, और जस अभी आया था, शाम को 6 बजने वाला है। और आज रूम में साफ सफाई भी किया, झाड़ू वगैरह मारा, थोड़ा पोछा ओछा भी लगा दिया, क्योंकि आज मेरा दोस्त है ही नहीं, वो गया है पिकनिक मनाने, यहाँ से बहुत दूर महाबलीपुरम साइड में गया है। और कल ही गया था, कल शाम को शायद 5:30 बजे के आसपास में चला गया था। और आज तो बोला था आने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मालूम नहीं आज आएगा कि नहीं आएगा। कल रात को तो मैं अकेला सोया था, रूम में अकेला ही था। आज देखता हूँ आज बोला था आने के लिए, आता है या नहीं आता है, देखते हैं। जा करके फोन उन करूँगा एक बार। ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी हो जाता है डिस्टर्ब करना, लेकिन ऐसा फ़ोन नहीं करूँगा। जब तक उसको रिप्लाई नहीं आ रहा तब तक फ़ोन नहीं करूँगा, क्योंकि वो पार्टी वार्टी कर रहा होगा, तो इसके लिए डिस्टर्ब करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। नहा धोवा लिया, अभी फ्रेश हो गया, रेडी हो गया हूँ और अभी चलूँगा काम की तरफ। और मिलते हैं आपको होटल में ही, कि 2 दिन से कुछ बिजनेस है ही नहीं। रुकटो पे थोड़ा बहुत हो रहा है, हल्का फुल्का बूंदा बांदी बोल सकते हो, ऐसा ही हो रहा है। तो कोई बात नहीं, संडे मंडे जाता ही ऐसा ही जाता है। संडे को और मंडे, ट्यूसडे तो कभी कभार होता है, लेकिन ट्यूसडे खाली रहता है। तो 2-3 दिन हो गया, 2-3 दिन से ऐसा ही खाली जा रहा है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आज जा करके क्या, आज कुछ होता है नहीं होता है। ऐसे भी लंच में कुछ नहीं था, दोपहर के टाइम में ऐसे भी खाली गया पूरा। और अभी जाते हैं शाम को रात को, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है, कि हम लोग सिर्फ टाइम पास करके आ जा रहा हूँ। क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी के माहौल में लोग बाहर निकलना बहुत पसंद ही नहीं कर रहा है। जब बाहर नहीं निकलेगा तो होटल तो ऐसे ही ठप हो जाना है, क्योंकि बहुत हार्ड गर्मी है। इसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि घर में ही सब कुछ कर ले, इसके लिए कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है, दूसरा कोई कारण तो है नहीं। मैं तो ऐसे लोग बाहर निकलता ही निकलता है, क्योंकि चेन्नई का जितना भी बिल्डिंग में रहेगा उसमें किचन का कोई प्रबंध नहीं होता है। किचन रहता है लेकिन लोग यूज नहीं करता है, वो वेस्ट उसमें सारा वेस्ट सामान ही डालता है, ऐड करता है, रखता है उसमें। तो फिलहाल चलते हैं काम की तरफ और मिलते हैं वहीं पे।